ये मैं सामान मंगाया था अमेजन से, सामान सही है, लेकिन ये जो सामान मैंने मंगाया हुआ है ये नोट 10 के लिए मैंने मंगाया हुआ था, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा है उसमें। ये जो है नोट 10 के लिए मैंने मंगाया था, जिसमें 3.5 mm ईयरफोन और चार्जिंग का एक साथ है, लेकिन ये जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है मेरे डिवाइस को, तो अब मुझे इसे वापस करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जब आप अमेजन से कुछ आप मंगाते हैं तो केयरफुल्ली से आप उसका बॉक्स को खोलिए और सामान को केयरफुल्ली से निकालिए, चेक कीजिए। अब ये सामान जो है मुझे रिटर्न करना है, तो अगर मैं इसको फाड़ देता, केयरफुल्ली से नहीं करता, तो ये रिटर्न नहीं होता। इसलिए अब इसको सेम मुझे ऐसे ही करना है, सेम इसमें डालना है और इसको ठीक इसी तरह पैक करके मुझे इसे वापस करना है। तो अब आपको इसके आगे का प्रोसेस क्या है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप अमेजन एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में तीन लाइन है, आपको वहाँ पर क्लिक करना है। अब आपको योर ऑर्डर पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए डिलीवर टुडे करके लिखा हुआ है, जो मैंने ये सामान अभी मंगाया था, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। रिटर्न और रिप्लेस आइटम, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं, बॉट बाय मिस्टेक, बेटर प्राइस अवेलेबल, परफॉर्मेंस क्वालिटी नॉट, इनकम्पेटेबल आर नॉट यूजफुल। तो जैसे कि मेरा ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब नॉट यूजफुल है या इनकम्पेटेबल है, तो वहाँ पर आपको कौन सा प्रॉब्लम है सामान में वो आपको यहाँ पर चूज करना है। जैसे अगर कोई गलत सामान भेज दिया तो रॉन्ग आइटम वॉज सेंट, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। या अगर दोनों डैमेज सम, अगर बॉक्स और सामान दोनों डैमेज है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। अगर कोई एक्सेसरी उसमें गायब है, नहीं आया हुआ है, तो इस पर अगर सामान लेट आया है तो यहाँ पर, अगर शिपिंग बॉक्स ठीक है लेकिन अंदर सामान डैमेज है तो यहाँ पर, परफॉर्मेंस या क्वालिटी खराब है तो यहाँ पर, या इससे अच्छा प्राइस अवेलेबल है तो यहाँ पर, या फिर आपने अगर गलती से खरीदा हुआ है तो यहाँ पर। तो ऐसे इसमें कई सारे ऑप्शन हैं जिसमें से आपको चूज करना है। तो मुझे इनकम्पेटेबल और नॉट यूजफुल पर मैंने क्लिक किया। अब आपको यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ऐड योर अमेजन पे बैलेंस रिफंड टू योर बैंक अकाउंट। तो जैसे कि मैं अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट किया था तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब आपको यहाँ आई एग्री पर क्लिक करना है। एस्टिमेटेड रिफंड टाइमिंग 3 से 5 बिजनेस डे आप रिसीविंग योर रिटर्न। अब आपको यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करना है। पिकअप का चार्जेस 0 है, योर पैकेज विल बी पिक्ड अप बाय कुरियर सर्विस। यहाँ पर टाइम रहता है जिसमें 21 तारीख का टाइम दिया हुआ है, 7 बजे से 1 बजे तक, लेकिन टाइमिंग मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। टाइमिंग मैं दोपहर को 1 बजे से शाम को 7 बजे का रखता हूँ। तो यहाँ से आप टाइमिंग चूज कर लीजिए कि कितने टाइम पे आप रहेंगे, वो टाइमिंग या आपका एड्रेस है। अब आपको यहाँ कंफर्म योर रिटर्न पर क्लिक करना है। योर पिकअप इज शेड्यूल्ड, हैंड ओवर योर आइटम टू द अमेजन पिकअप एजेंट एंड यू आर डन। आपका सामान अभी पिकअप के लिए शेड्यूल हो चुका है। योर रिटर्न पिकअप इज शेड्यूल्ड फॉर सैटरडे 21 दिसंबर, 21 दिसंबर को दोपहर को 1 बजे से 7 बजे के बीच अमेजन का कोई आदमी आएगा, कुरियर बॉय आएगा, वो आपका ये जो पार्सल है इसे वापस लेकर जाएगा। ये पिकअप ट्रैकिंग आईडी है आपका। योर रिफंड, आपका जो रिफंड है वो 3 से 5 बिजनेस डे में आएगा। अब आप कंटिन्यू शॉपिंग पर क्लिक कर दीजिए। अब आप वापस यहाँ पर क्लिक करके योर ऑर्डर पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए स्टेटस आ गया है, रिटर्न रिक्वेस्ट अप्रूव। अब आपका जो रिटर्न रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो चुका है, अमेजन का डिलीवरी बॉय आएगा, वो आपके सामान को वापस लेके जाएगा, आपका पैसा आपके बैंक में रिफंड हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक सामान और रिटर्न किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिफंडेड करके लिखा हुआ है, तो ये मैंने वापस कर चुका हूँ और अभी कल ही मैंने इसे वापस किया हुआ है। ये सामान अमेजन का डिलीवरी बॉय आके वापस लेके गया। रिटर्न एंड रिफंड पर क्लिक करेंगे आप, यहाँ देखिए यू हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड ए रिटर्न ऑफ दिस आइटम, 195 रिफंड इशूड ऑन दिसंबर 19, 2019। रिफंड हो चुका है,
लेकिन ये पूरा रिफंड नहीं आया हुआ है। जब आप अपना ईमेल चेक करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए अमेजन ने ईमेल किया हुआ है जो मैंने रिटर्न किया हुआ था। इसमें देखिए आइटम रिफंड 165.25, आइटम टैक्स रिफंड 29.75, तो इसने मेरा लगभग 30 रुपये काट लिया है। 195 की जगह मुझे रिफंड सिर्फ 165 रुपये ही मिला है और नेट बैंकिंग से मैंने 195 किया हुआ था, तो रिफंड में मुझे 165 रुपये ही मिला, मतलब 30 रुपये मेरा काट लिया गया। तो ठीक इसी तरह से आपका कुछ पैसा काटा जाता है जो कि आइटम टैक्स रिफंड करके होता है, वो काटने के बाद आपका पैसा आपको रिफंड हो जाता है। ये रिफंड होने में 3 से 5 दिन का समय लगता है, तो क्योंकि ये अभी मैंने कल ही रिटर्न किया हुआ है तो अभी ये रिफंड मेरे बैंक अकाउंट में आया नहीं है, इसे आने में 3 से 5 दिन या 7 दिन लग सकता है। तो इस तरह से आप अमेजन से कोई भी सामान अगर खरीदते हैं, वो ख़राब है या फिर कोई दूसरा आइटम है, या जो आप मंगाए हैं उसकी जगह कोई और गलत चीज़ भेज दिया है या फिर डैमेज है, कुछ भी एनीथिंग होता है, तो इस तरह से आप अपने आइटम को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऐसे यूजफुल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।